क्या फास्टैग से भी देश बदल सकता है? कहने के लिए ये एक छोटी सी योजना है, आपके लिए टोल को आसान बनाने और जाम से बचाने की प्रक्रिया। मगर इसके पीछे मोदी सरकार की जो सोच है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर यह है कि फास्टैग के लागू होने के बाद NHAI की आय प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए बढ़ गई है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन यानी महीने के 600 करोड़ रुपए, महीने के 600 करोड़ रुपए यानी साल के 7,200 करोड़ रुपए। और ये आंकड़ा तो शुरुआती है, अभी आय और बढ़ेगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए 72,000 करोड़ से देश में कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी सड़कें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा जाम की समस्या खत्म होने से आपका हजारों करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल बचेगा, वक्त बचेगा और पर्यावरण भी। अब सवाल यह है कि मोदी से भ्रष्टाचारी नफरत क्यों करते हैं, क्यों बार बार उन्हें कोसते हैं? इसकी वजह ऐसे ही फैसले हैं। ये 72,000 करोड़ रुपए कहां से आया? क्या ये कोई अतिरिक्त कर है? क्या आपको फास्टैग आने के बाद से ही टोल भरना पड़ रहा है? क्या आप अब तक टोल बचा रहे थे? नहीं, दरअसल ये पैसा जा रहा था ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में, जो मोदी को गालियां देते हैं।